इसीलिए भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है, लेकिन शहरों में अनटचेबिलिटी नजर नहीं आती है, लेकिन गांवों में आज भी अपने को अनटचेबिलिटी का अनुभव आता है। आज भी अनटचेबिलिटी के माध्यम से दलितों पर अन्याय होता है, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, समाज में बहुत सारी रोटी बेटी व्यवहार भी हो रहा है। आज हर साल में पूरे देश भर में कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक इंटरकास्ट मैरिज होती है। कल मैं आंध्र प्रदेश में था तो वहां जब मैंने अधिकारियों से बात की कि भाई हर साल में कितने इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, हर साल में 2,000, 3,000, 4,000 इतने पूरे स्टेट भर में इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, तो समाज जुड़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज पर कई जगह पर अन्याय हो रहा है। आज अपने समाज में बाबा साहब अंबेडकर जी के आरक्षण के कारण, रिजर्वेशन के कारण प्रीता हरीत है, बाकी के लोग हम लोग हैं। हम लोग राजनीति में आए, बाबा साहब अंबेडकर जी का आशीर्वाद ना होता तो ये रामदास आठवले कभी भी पार्लियामेंट में नहीं आता था, कभी भी नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें पढ़ाया, सिखाया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें ताकत दी, स्वाभिमान दिया, अभिमान दिया, और बाबा साहब अंबेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता और तू भी ना होता। बाबा साहब अंबेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता, तू भी ना होता, और तू ना होता तो मैं ना होता, मैं ना होता तो तू ना होता। तो हम सब लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में गर्व करते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान है, उन्होंने शांति का संदेश दिया, प्रज्ञा शील करुणा का संदेश दिया, भोजन हिताय भोजन सुखाय का संदेश दिया, दीप हो का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने तो रियल डेमोक्रेसी है,
संसदीय लोकशाही है, लोकतंत्र है। ये गौतम बुद्धा के कार्यकाल में 2500 साल पहले अपने देश में लोकतंत्र अपने को नजर आता था। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा, और कोई संविधान लिखते थे तो शायद इतना इम्पैक्ट संविधान का नहीं होता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि देश का संविधान अगर आपको मजबूत करना है तो डॉक्टर अंबेडकर जी पर ही ये जिम्मेदारी दीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर उनका अपॉइंटमेंट कर दीजिए। और बाबा साहब अंबेडकर जी वेस्ट बंगाल से, अपने बंगाल से चुनकर आए थे। योगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। जो अभी बांग्लादेश है वो पूर्व पाकिस्तान के माध्यम से भारत से अलग हो गया। बाबा साहब को वोटिंग करने वाले कई MLA गए पूर्व पाकिस्तान में और बाबा साहब की मेंबरशिप खत्म हुई थी। लेकिन बाद में बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाया गया और इस देश का संविधान एक बहुत बढ़िया संविधान, सेक्युलर संविधान, सर्व धर्म को न्याय देने वाला संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा योगदान बाबा साहब अंबेडकर जी का है। जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने सौंप दिया, उनके मुंह से उद्गार निकले थे, डॉक्टर अंबेडकर आप ही संविधान के सही शिल्पकार है, आर्किटेक्ट है। इसीलिए हम सब लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में हमें बहुत बड़ा गर्व है। और आज यहाँ मतलब हमारे कई मेहमान, हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी है हमारे साथ, जी भी रहे हैं, वो AC कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, अभी BJP के प्रवक्ता भी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, और रिपब्लिकन पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। और राजनीति में मतलब कुछ मुद्दों पर जरूर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन NDA में मेरी पार्टी एक पार्टनर है। मेरे पार्टी का वैसा एक भी MP नहीं है लोकसभा में, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, आप जैसे लोग मेरे साथ है, मेरा समाज मेरे साथ है। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुझे मंत्री पद का मौका देने का विचार उन्होंने भी किया। मंत्री पद बहुत बड़ा होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, मंत्री पद आता है चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो होता है ये कार्यकर्ता हमेशा आपके बीच में रहता है। तो यहाँ मतलब हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी वो एक MP है, लेकिन बाद में उनको MP भी बनाएंगे, तो अभी एक से भी कितने दिन एक से रहेंगे, मतलब हमेशा एक से रहेंगे तो एक हमेशा नहीं होना चाहिए। तो जरूर मतलब BJP उनको आगे भविष्य में मौका दे सकते हैं। यहाँ हमारे सिंह जी है जो मतलब हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और वो भी हमारे अच्छे मित्र है। हमारे दूसरे देश राज करनवाल